हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वूजो ने वेस्टेज पकड़ा के सभी ब्रोकन वेपन्स को देख लिया था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा था। इसीलिए वो लाउडोमो से कहता है कि वो यहाँ का कोर डिसेबल बनकर नहीं रहना चाहता है। दरअसल वो यहाँ का एक नॉर्मल डिसेबल बनकर रहना चाहता है और वो धीरे धीरे अपनी पोजिशन को बराबर करना चाहता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। जैसे सुनकर जानवी को अपने कानों पर बिलीव नहीं होता है कि वो ये सब क्या सुन रहा है, तो वहीं लाउडोमो सोचते हैं कि अब ये करना क्या चाहता है। बट उसकी हरकतों को देखने के बाद लाउडोमो वेस्टेज पकौड़ा की सारी जिम्मेदारियां उसे दे देते हैं और उसे उसका कोर डिसाइपल का बैच मांगते हुए उसे बताते हैं कि आज के बाद वो कोर डिसाइपल नहीं रहेगा और वो दोबारा अगर कोर डिसाइपल बनना भी चाहेगा तो ये काफी है मुश्किल होगा। और उसी के साथ वो बताते हैं कि कोर डिसाइपल को मंथली बेसिस पर कई सारी पेल्स मिलती हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जो तुम्हें नहीं मिलेंगी। जिस पर वूजो उनका आइडेंटिटी टोकन और बाकी सामान वापस करते हुए कहता है कि उसे कोई फिक्र नहीं है सबकी, क्योंकि उसके पास रिंकार्नेशन बाउल था जो कि उसे इनफिनाइट एनर्जी प्रोड्यूस करके देता था। तो लॉर्ड मो आगे बताते हैं कि कोर डिसाइबल को एक 4-टायर कॉम्बैट आर्चरी स्किल कल्टीवेट करने को मिलती है, जो कि कल्टीवेट करने के बाद इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अब तुम्हें नहीं मिलेंगी। जिस पर वूजो उनकी सारी कॉपी किताबें उनको वापस करते हुए कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास साइलेंस स्वॉर्ड स्टाइल और स्काई सेवरिंग स्लैश था। वूजो के ऐसा करते ही लॉर्ड मो से बताते हैं कि कोर डिसेबल्स के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्टयार्ड अरेंज किया गया है, जहां पर कुछ ब्यूटीफुल मेड्स उन्हें सर्व करती हैं और मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें ये सब मिल सकता है, इसलिए अब तुम ये सब भूल जाओ। जिस पर वूजो तुरंत उन्हें रोकता है और कहता है कि वो कोर डिसेबल ही ठीक है, वो कोई आउटर डिसेबल नहीं बनना चाहता है। जिस पर वो उसे पंच मारते हुए कहते हैं कि बेटा अब तो बहुत लेट हो चुका है, अब तुम एक आउटर डिसेबल हो और तुम इसके लिए एलिजिबल हो चुके हो। जैसे सुनने के बाद वूजो की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है और अब उसे समझ में आ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद लॉर्ड वो वहां से जाते हुए वूजो को वेस्टेज पगड़ों को पर डे साफ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां से इंस्पेक्ट करने के लिए वो हमेशा ही कुछ लोगों को भेजा करेंगे। और फिर वूजो को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और फिर उसे वही उंगलियां दिखाने लगता है। ये देखकर वो डर जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं कर सकते हो। जिसके जवाब में लॉर्ड मो कहते हैं कि तुम पर ये सब अच्छा लगता है तो मैं तुम पे क्यों ना करूं। जिस पर वूजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जानवी उससे पूछता है कि तुम एक तो कोर डिसेबल बन चुके थे, उसके बावजूद भी तुम यहाँ वेस्टेज पकौड़ों में क्यों सेट हो गए। उसकी बात को सुनकर वूजो उससे कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग आउटडेटेड हो चुका है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ उसे सेल्फ प्रमोशन कहते हैं। उसकी बात जानवी को समझ में नहीं आती है। जिस पर वूजो उसे बताता है कि उसका गोल इन सबसे बहुत ज्यादा बड़ा है। दरअसल वो सेक्ट का एम्बेसडर बनना चाहता था, यानी कि वो टाओ सेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनके यहाँ की कुर्सी को हथियाना चाहता था। और टाओ सेक्ट में कोर डिसेबल होने के बावजूद भी अगर कोई आउटर डिसेबल से स्टार्टिंग करता है और फिर कोर डिसेबल बनता है तो उसकी बहुत ज्यादा प्रमोशन हो जाता है और लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उसकी इस बात को सुनकर जॉन भी उस पर डाउट करते हुए पूछता है क्या ये सब बस नाम के लिए है। जिस पर वो कहता है कि देखो ये सब मेरा फर्स्ट स्टेप है और वैसे भी मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है और अब धीरे धीरे लोग मुझे जानने भी लगेंगे। जिसके बाद वो जानवी के साथ साथ दूसरे आउटर डिसेबल्स को भी बाहर निकाल देता है और जानवी अपने छोटे से दिमाग में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेकर बाहर आता है, क्योंकि वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो वहीं पीछे खड़े दो आउटर डिसेबल्स वूजो की तारीफ कर रहे होते हैं, यानी कि वूजो का प्लान काम कर रहा था। जिसके बाद हम अंदर की तरफ देखते हैं जहां पर वूजो अब मेडिटेशन करने के लिए बैठ चुका था और अब वो अपने रिइंकार्नेशन बाउल को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो रिइंकार्नेशन बाउल को एक्टिवेट करते हुए वहां की सारे मेटल्स को उसमें एब्जॉर्ब करने लगता है और बस कुछ ही देर में वो सारा मेटल रिइंकार्नेशन बाउल में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगला सीन हमें 24 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहां पर वूजो अब कल्टीवेट करके उठ जाता है और हम देखते हैं कि उसका एक लेवल बढ़ चुका था और इसी के साथ वो अब प्रीनेटल स्टेज के लेवल 4 पर प्रमोट हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी फाउंडेशन को एनहांस करने के लिए वहां से मेटल्स और लो लेवल कॉम्बैट आर्चरी को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें स्किल क्राफ्ट पवेलियन दिखाई जाती है, जहां पर वूजो कई सारी बुक्स को लेकर जा रहा था और उसे इतनी सारी बुक्स को ले जाता देख लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आदमी इतनी सारी बुक्स को ले जाके क्या करेगा। बट वूजो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते हुए उन सारी बुक्स को ले जाकर काउंटर पर रख देता है और वहां के गार्डियन से उन सारी बुक्स को रजिस्टर करने के लिए कहता है। जिससे वो रजिस्टर करने के लिए कह रहा था, हम देखते हैं कि वो गार्डियन सो रहा होता है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है जो वूजो की तरफ देखता है और फिर सारी बुक्स को गिनते हुए कहता है कि तुम आउटर डिसेबल होने की वजह से इन लो ग्रेड कॉम्बैट आर्चरी बुक्स को बोरो तो कर सकते हो, लेकिन तुम इन सबको सिर्फ 24 घंटे के लिए बोरो कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हें वापस लौटानी होगी और मुझे नहीं लगता है कि तुम इन 24 घंटों में इतनी सारी बुक्स को इजीली पढ़ पाओगे। जिस पर वूजो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूं, लेकिन तभी वो रुक जाता है और देखता है कि वो आदमी उसी की तरफ लगातार देख रहा है और उसकी बातों को गौर से सुन रहा है। ये देखकर समझ जाता है
कि आदमी जैसा बाहर से दिख रहा है वो वैसा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया में जितनी भी नॉवेल्स को पढ़ी हुई थी उन सब में सिर्फ एक ही बात लिखी थी कि सामने जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और अब वुज़ो को ऐसा लग रहा था कि आदमी बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन यहाँ पर टाउजैक में वो सिर्फ छुपा रह रहा है। इसीलिए अगर वो उस आदमी से सीखता है तो वो जरूर बहुत जल्दी पावरफुल हो जाएगा और वो अपने दुश्मन को हराकर अपनी वाइफ कुंगो को भी वापस हासिल कर लेगा। वुज़ो को इस तरीके से खड़ा देखकर पवेलियन के गार्डियन को लगता है कि शायद वुज़ो को किसी टाइप का स्ट्रोक आया है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसकी सारी मैनुअल्स को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसीलिए वो यहां से उसे फटाफट निकल जाने के लिए कहता है, जिस पर वुज़ो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे डांटोगे नहीं, फिर मैं आपके ही सामने इनमें से एक कॉम्बैट आर्चरी को मास्टर कर लूंगा। ये देखकर आप मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे एक बढ़िया सी कॉम्बैट आर्चरी सिखाएंगे, क्या ये सब नहीं होना चाहिए? उसकी बात पर पवेलियन का गार्डियन उससे कहता है कि जाओ जल्दी जाकर सो जाओ, ये सब तुम्हारे सपने में जरूर होगा, जिसके बाद वो उसे डिस्टर्ब ना करने को कहते हुए वहां से जाने को कहता है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि वुज़ो कभी हार नहीं मानता है, इसीलिए वो उनके पीछे पड़ जाता है और उनसे कहने लगता है कि मैं एक रियल जीनियस हूँ, आप मुझे टेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं ही हूँ जो आगे जाकर टाउजैक को अपराइज करूंगा। उसके बार बार परेशान करने पर पवेलियन के गार्डियन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मारते हुए पवेलियन से बाहर फेंक देता है और फिर उसकी बुक्स को भी उस पर फेंकते हुए कहता है कि इन्हें टाइम पर वापस कर देना वरना तुम्हें सजा मिलेगी। जिस पर वुज़ो उनसे कहता है कि मैं एक रियल जीनियस हूँ और अगर तुम मुझे नहीं सिखाने वाले हो तो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा ही घाटा है। जिसके बाद वुज़ो वहां से कुछ बड़बड़ाते हुए चला जाता है। उसे वहां से जाता देखकर पवेलियन का गार्डियन कहता है कि इसकी एनर्जी और ब्लड ने अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया है और इसे दिन ब दिन बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इसकी येन और यांग की मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, ये तो वाकई असली जीनियस है। और फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली टाउजैक के जितने भी जीनियस हैं उन सबको मौत का कर्ज लग चुका है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो ज्यादातर मारा जाता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड मुआ जाते हैं जो उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये सब सुनकर सारे डिसाइपल्स नॉर्मल बिहेव करने लगेंगे और सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रहने लगेंगे तो हमारे बैनर को कौन उठाएगा, कौन हमारे पूरे टाउजैक की जिम्मेदारी लेगा। जिस पर पवेलियन का गार्डियन कहता है कि तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग है और अगर हम लोगों ने तुम्हारी बातें सुनी तो बहुत ही जल्द यहाँ पर एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी और यहाँ पर आसमान टूट पड़ेगा। उनकी बात को सुनकर लॉर्ड मुआ से बताते हैं कि वुज़ो के हाथ में उनकी टाउजैक की एक पुरानी रिंग लग गई है जो कि उनके लिए रिट्राइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसे रिट्राइव कर लेंगे। लेकिन तब तक वो उन्हें एक बात ध्यान रखने को कहते हैं कि उनकी ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनमें से एक इस सेक्ट की ग्लोरी को बनाए रखना भी है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस ग्लोरी को वापस ले आएंगे और चाहे उन्हें कोई भी गलत कदम क्यों ना उठाना पड़े। जिसके बाद लॉर्ड मुआ वहां से चले जाते हैं। उन्हें वहां से जाता देखकर पवेलियन का गार्डियन सोचता है कि क्या वाकई ये इंसान कुछ गलत करने वाला है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सीन में हमें सेक्रेट पीक के ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है जहां पर कई सारे डिसाइबल्स आपस में मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे और अपनी अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को इंक्रीज कर रहे थे, एनहांस कर रहे थे। वहीं पर हम वुज़ो को देख पाते हैं जो एक साइड बैठकर पढ़ रहा था और अब काफी देर से पढ़ने की वजह से उसे उबासी आने लगती है और उबासी लेते हुए कहता है कि सारी टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा सिंपल हैं, मैं अपने बाउल की हेल्प से इन्हें बहुत जल्दी सीख जाऊंगा, इसमें तो कोई भी चैलेंज नहीं है। हम देखते हैं कि वो वहां पर वेपन रिसाइकलिंग के लिए बैठा हुआ था और लोगों के वेपन्स को बहुत ही सही प्राइस में खरीद भी रहा था। जिसके बाद वो दूसरे डिसाइबल्स को देखकर सोचता है कि ये लोग कितने ज्यादा वीक हैं, इन्होंने इतनी देर में बस कुछ ही वेपन्स को तोड़ा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो कुछ प्लान करने लगता है ताकि वो इन लोगों से ज्यादा वेपन्स को तोड़वा सके। अभी जब वुज़ो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक डिसाइबल सीधे उसकी तरफ उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर वुज़ो अचानक से ही साइड में हो जाता है और बाल बाल बचता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्टॉल की तरफ देखता है तो ये देखकर बेचारे का दिमाग खराब हो जाता है और वो बेचारा बहुत चक्कर आ जाता है कि उसकी पूरी की पूरी स्टॉल का कबाड़ा हो चुका है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं कि जो डिसाइबल बहाकर गिरा था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और जिसने उसे फेंका था वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम सेकंड पीक के सभी डिसाइबल्स टाउजैक की 9 पीक्स में से सबसे ज्यादा कमजोर हो, तुम प्रीनेटल स्टेज के लेवल 5 के 3 लोग मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाए। ये एरोगेंट लड़का मार्शल पीक का इनर डिसाइबल होता है और इसका नाम चुई यिमिंग है, जिसे हम चुई कहेंगे। उसकी बात को सुनकर सेकंड पीक का एक डिसाइबल उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सेकंड पीक को इंसल्ट कर सको, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। जिस पर चुई उनसे कहता है कि फिर से बहुत जल्द रिसोर्सेज का बंटवारा होगा और मुझे नहीं लगता है कि इस बार तुम लोग कुछ अच्छा भी कर पाओगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तुम लोगों की और ज्यादा बैंड बजने वाली है, इन सबको तुम बस एक रिमाइंडर समझो। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही है। उसकी बात को सुनकर सारे डिसेबल सोचने लगते हैं कि क्या इस बार भी सेक्रेट पीक हार जाएगा, क्या हम में से ऐसा कोई नहीं है जो इसे रोक सके, और सोचते हैं कि काश ब्रदर चैन अगर यहाँ होते तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। इन लोगों की इंसल्ट करने के बाद चुई यहाँ से दूसरी पीक्स की तरफ जाने लगता है। तभी वुज़ो उसे पीछे से रोकता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाने की इजाजत किसने दी। वुज़ो को ऐसा करता देख बाकी डिसाइबल सोचने लगते हैं कि आखिर वुज़ो ये सब कर क्या रहा है, वो तो एक आउटर डिसाइबल है
और वो चुई के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा क्योंकि उनके सीनियर ब्रदर्स उसके सामने एक साथ होकर भी नहीं टिक पाए थे। और चुई भी वुजो से कहता है कि तुम तो एक आउटर डिसाइपल हो, तो मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो शायद इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अच्छे बच्चे एक ही तरह यहाँ से चले जाओ। उसके इतना कहते ही वुजो गुस्से में अपना ऑरा रिलीज कर देता है। उसके ऑरा की पावर की वजह से चुई बहुत दूर जाकर गिर जाता है और वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। ये देखकर उसे समझ में नहीं आता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। और इधर हम दूसरे डिसाइबल्स को देखते हैं जो कि अभी इस सिचुएशन को प्रोसेस कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ। और जैसे ही उन्हें ये समझ में आता है कि सेक्रेड पीक के एक आउटर डिसाइबल ने चुई को पीट कर रख दिया वो भी बिना टच किए, तो ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। वहीं वुजो एक शॉट को उठाते हुए कहता है कि ना सिर्फ तुमने मेरी ट्रॉली को डिस्ट्रॉय किया बल्कि तुमने मुझे हिट करने की भी कोशिश की, इसलिए अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द 2000 टेल्स को कंपनसेशन के तौर पर नहीं दिया गया तो आज यहाँ से जाने के बारे में भूल जाओ कि तुम आज सेक्रेड पीक से जिंदा वापस भी जाओगे। वुजो की पावर को देखकर चुई उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में आकर धमकी दे रहे हो, जिस पर वुजो कहता है कि नहीं तुम गलत हो। और फिर अपनी स्वॉर्ड को चलाते हुए कहता है मैं तो बस सेकंड पीक के डिसेबल्स के लिए जस्टिस रिक्लेम कर रहा हूँ। और जैसे ही उसका टायर जमीन पर लगता है तो वहाँ की जमीन टूट जाती है, लेकिन चुई वहाँ से डॉच करते हुए हट जाता है। और ये देखकर उसे शौक लगता है कि प्रिंटल स्टेज के लेवल 4 वाला कोई वॉरियर एक आउटर डिसेबल के रूप में छिपकर बैठा हुआ था, लेकिन वो इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसकी फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वो वुजो के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। ये देखकर वुजो उसे कहता है कि तुम जैसे लोग न जाने कितने मेरे सामने आए और मेरे हाथों से मारे गए, जिसके साथ ही वुजो चुई पर एक जोरदार अटैक करता है। वुजो का अटैक इतना फास्ट होता है कि चुई को सही से डॉच करने का भी मौका नहीं मिलता है, इसीलिए वो अपनी शॉट से ही खुद को डिफेंड करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वुजो की शॉट चुई की शॉट पर लगती है तो वुजो की शॉट तो टूट जाती है, लेकिन चुई की शॉट में भी काफी बड़ा क्रैक आ चुका था। ये देखकर चुई भी थोड़ा परेशान होने लगता है क्योंकि उसने इस हाई क्वालिटी शॉट को 5000 टेल्स में खरीदा था, और अब वो सोचने लगता है कि आखिर वुजो के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। इधर वुजो टूटी हुई शॉट को देखकर कहता है कि सेक्ट में बनी हुई सारी शॉट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, लगता है कि मेरे पास एक और चांस है दूसरी शॉट लेने का। और फिर मनीमन हंसते हुए कहता है कि अगर मैं खुद ही सारी शॉर्ट्स को तोड़ दूं तो मेरे पास काफी सारा मेटल स्क्रैप हो जाएगा। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।